Good morning, students. ये कहानी है धानीखेड़ा गांव की, जहां एक सरपंच रहते थे। उनके घर पे सब कुछ था, बस नहीं था तो उनके खानदान का वारिस। अब ठाकुर साहब की बेटी 5 साल की हो गई थी और उनकी दुआओं से उनके घर एक बेटा भी हो गया, पर अभी भी ठाकुर साहब को अपनी बेटी से जरा सा भी प्यार ना हुआ। अरे दीपक की माँ, बैठो बैठो। हाजी सुनिए, अपनी दुर्गा बिटिया पढ़ने में बहुत तेज है, क्लास में अव्वल आई है। अरे उसकी आगे की पढ़ाई के लिए हम उसको किसी अच्छे और बड़े स्कूल में दाखिला ना करवा दें? अपने पास वाले मनोज की बिटिया भी उसी स्कूल में जाती है, उसके साथ वो चली जाएगी। अब तो मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगा, बेटियों को तो एक दिन अपने घर जाना है। मेरी बात मानो तो इनको घर का चौका चूल्हा खाना बनाना सिखाओ, समझी कि नहीं दीपक की माँ? और इनको कौन सा मजिस्ट्रेट और डॉक्टर बनना है? हमारा तो बेटा दीपक हमारे घर के दीपक को जलाएगा। जैसा आपको सही लगे। सरपंच का अपने बेटे के लिए प्यार बढ़ता रहा। अब उनका बेटा 18 साल का युवक हो गया था और उसकी बहन दुर्गा अभी भी अपने बापू के प्यार और दुलार को तरसती थी। अरे बापू, आपसे 2000 रुपए चाहिए। 2000 से 4000 करके दूंगा आपको। अरे हाँ बापू। तू ले ले बेटा। अरे 2000 क्या, 4000 ले ले। अरे तू ही तो मेरा बारिश है। अरे बापू। ले ले बेटा। पूछ तो लो जरा दीपक से, क्यों चाहिए उसे इतने सारे रुपए? जरूर जुआ खेलने के लिए मांग रहा होगा। पापा जी, जी तो खाम खाम उस पे शक किया करती, आपको तो मुझ पे विश्वास है ना? अरे वाह, जा बेटा मौज कर। एक दिन दुर्गा अपने रोज के काम कर रही थी कि तभी उसने देखा। दुर्गा निराश होती है पर हताश नहीं होती। वो आज भी अपने भाई की परवाह करती है। बचाओ, बचाओ, बचाओ। बचाओ, 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 बचाओ। क्या हुआ? क्या हुआ दीपक? अरे जी, अरे बताओ सही क्या हुआ?
गए थे और वो मेरी जान के पीछे पड़ा, मुझे बचाना नहीं थी। मैं ये सब छोड़ दूंगा। अगर तू आजी क्या कर, मैं नहीं देखती हूँ। दीपक निकल बात, मुझे पता है तू यही बैठा हुआ। निकल, दीपक नहीं है यहाँ पर, निकल जा यहाँ से, कोई नहीं आएगा अंदर। अरे ये क्या हुआ, भाग यहाँ से। Yeah.